हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको सुबह सुबह आपके जीवन में आपको भयंकर तूफान का सामना करना पड़ सकता है। आपको आपके जीवन में अब संभलने का वक्त आ चुका है। आप अपने जीवन में यह महीना जब से प्रारंभ हुआ है, अनेक प्रकार के नए और असंगत और बड़े संकटों का समस्याओं का सामना कर चुके होंगे, परंतु अब आपके संभलने का वक्त आ चुका है। आपके दुखों का अंत होगा और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकोगे। आपके जीवन में जिस भी प्रकार के आपके दुख तकलीफें हैं, वे दूर हो सकेंगे। मित्रों, आपको बताएंगे किस प्रकार से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके व्यापार व्यवसाय कार्य क्षेत्र में आ रही अड़चनें किस प्रकार से दूर होंगे और किस प्रकार से आप अपने समाज में अपने लक्ष्य में अलग पहचान बना सकोगे। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। उससे पहले आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए काफी आवश्यक होंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और दुख तकलीफों को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको बिजनेस व्यापार व्यवसाय कार्य क्षेत्र में धन लाभ करने के मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। इसके साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और किसी खास इंसान से बातचीत और मुलाकात की संभावनाएं हैं। करियर को लेकर आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर सकते हैं। आसपास और साथ काम करने वाले लोगों से आपको संभल कर रहने होंगे, क्योंकि आपके आसपास या फिर आपके जो साथ काम करते हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, वे आपके पीछे कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको किसी मुसीबतों में डालने का प्रयास कर सकते हैं, आपके राह में आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने शत्रुओं से, सहकर्मियों से, आस पड़ोस के लोगों से सतर्क रहें। आपके सुख सुविधाओं पर ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की जरूरत रहेंगे, अन्यथा आपको आर्थिक तंगियों का शिकार होना पड़ सकता है। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि मौसम बदलाव हो रहा है, जिनकी वजह से आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं और बिजनेस और नौकरी के जरूरी काम आपके सही समय पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको फायदे होंगे, आने वाले दिनों में आपको कई प्रकार के सुख साधनों के प्राप्ति होंगे। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी निर्णय लेते समय आप अपने परिवार के विशेष राय अवश्य लें। मित्रों, भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर पड़ने वाली है और भगवान भोलेनाथ स्वयं तुला राशि वाले जातकों के सभी अटके हुए कार्यों को जल्दी ही पूर्ण करने में उनके सहायता करेंगे और तुला राशि वाले जातकों को सभी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी ही आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। आपका पारिवारिक जीवन आनंदमय और काफी खुशहाल बना रहेगा। अगर आप नया वाहन या फिर घर खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी आर्थिक स्थितियां अच्छी बनेंगे, आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे। आपको अपने लव पार्टनर की ओर से बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं। आपके लव लाइफ रोमांटिक और रंगीन रहेंगे। आपको व्यापारियों को व्यापार में बड़े धन लाभ प्राप्त होंगे। अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और आप अपने लव पार्टनर से रोमांटिक जगह पर घूमने जा सकते हैं। आपका विवाह तय हो सकता है। आपके घर में नए मेहमान आने के योग बनते दिख रहे हैं। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि शादीशुदा वाले जातकों को वैवाहिक जीवन अच्छा खासा बना रहेगा। आपको आपके जीवन में कई प्रकार के सुख साधनों के प्राप्ति होंगे। आपका किस्मत सातवें आसमान पर रहेगा, जिनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में खुशियां दस्तक देंगे। मित्रों, अगर आप किसी भी प्रकार के कोई बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं, अगर आपको बेरोजगारी परेशान कर रही है,
तो वे बेरोजगार आपके दूर होंगे, आपको रोजगार पाने के बेहतरीन और उचित अवसरों की प्राप्ति होंगे, आपको रोजगार मिल सकता है। व्यापारियों को व्यापार व्यवसाय कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। मित्रों, सुबह आपको किसी प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में आपको धैर्य रखने होंगे। आप किसी भी प्रकार के कोई भी गलत प्रतिक्रिया न करें, गलत लोगों से दूर रहने के अवश्य कोशिश करें। आप अपने बुद्धि विवेक और सभी कार्यों को करते हुए जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आखिरी दिनों में बिजनेस करने वालों को धन का लाभ होंगे, आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे और आपको आपके खर्चों पर विशेष रूप से कंट्रोल करने होंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर किसी भी प्रकार का कोई नया व्यापार व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में नई रणनीतियों के तहत कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेंगे आपको। तो मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके घर में परिवार में खुशियों का आगमन होंगे, आपको कहीं से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। सामाजिक स्तर में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में पिता की सलाह ले सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद और लाभदायक साबित रहेंगे। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेंगे, जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे और किसी जरूरी कार्य में आपको फायदा अवश्य होंगे। आप अपने प्रेम जीवन में एक नयापन महसूस कर सकोगे, शादीशुदा जिंदगी आपके अच्छी रहेंगे। कामकाज के सिलसिलों में आपके किए गए प्रयास आपको अच्छा खासा फल दे सकता है। आप अपने सभी कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से करने के कोशिश कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, आपके सेहत में सुधार आने के योग हैं, आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगे और आप धन कमाने के बेहतरीन योजनाओं को बनाने के मौके मिल सकते हैं। लव पार्टनर के साथ आपके रोमांस के अवसर मिलेंगे, आप कोई वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप काफी लंबे समय से बहुत इच्छुक थे। मानसिक तनाव आप पर हावी हो सकता है, ऐसे में जिसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थितियों पर देखा जा सकता है। आप अपने आर्थिक स्थितियों को सुधारने के अवश्य कोशिश करें और आप अपने और अपने परिवार के लिए ली गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए अवश्य प्रयास करें। आज के दिन नौकरी पेशा वाले जातकों को नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपके दोस्त के कारण आपके लव लाइफ में दरार आ सकती है, ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके लव लाइफ रोमांटिक और रंगीन रहेंगे। आप अपने दोस्त पर यकीन न करें और यकीन करें तो उन्हीं दोस्तों पर जो आपके साथ हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आपका पारिवारिक जीवन काफी अच्छा रहेगा, आपके घर में छप्पड़ फाड़ कर धन दौलत की वर्षा होंगे। आपका आने वाले दिनों में आप अपने व्यापार व्यवसाय में सफलता को प्राप्त करोगे, परिवार में आपके सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आपको धन की लॉटरी लग सकती है, व्यापार में तेज गति से वृद्धि होगी। आय को बढ़ाने के लिए नए संसाधनों की खोज सकोगे, समय समय पर होने वाले परिवर्तन आपके लिए बेहद ही खास रहेंगे। भगवान विष्णु जी की कृपा से तुला राशि वाले लोगों का समय बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके शुभ समय का प्रारंभ हो रहा है। आपको संतान के सफलता से आपका मन अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे, घर परिवार में आप किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के आय में वृद्धि होंगे, पुराना कर्ज चुकाने में आप सफल रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपके अधिक रुचि रहेंगे। नौकरी में उच्चाधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेंगे, जायदाद संबंधित मामलों में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, बेरोजगार लोगों को अच्छी खासी नौकरी प्राप्त हो सकती है। वैवाहिक जीवन आपका बेहतर बना रहेगा और पति और पत्नी का सहयोग आपको मिलेंगे, नए वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए आपका समय शुभ रहेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है, रुका हुआ
कार्य तेजी से आगे बढ़ने वाला है। पारिवारिक वातावरण आपका खुशनुमा बना रहेंगे। घर परिवार के किसी बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को मनपसंद नौकरी मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपके सुख शांति बने रहेंगे। आपको व्यापार के क्षेत्रों में अचानक से धन लाभ हो सकते हैं। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको अगली सुबह आपके जीवन में कई बड़े और अच्छे खुशखबरी लेकर आ रहा है। आपको अपने जीवन में काफी ज्यादा धन लाभ होंगे। आर्थिक स्थितियां लाभ कमाने के बेहतरीन मौके आपको प्रदान कर रही हैं। आपको घर परिवार में गृह क्लेश और झगड़े लड़ाइयों से मुक्ति भी मिल सकती है। आप अपने प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। आपको आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। हेलो मित्रों, जय माता।